दोस्तों डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज किस तरह से भारत को आगे ले जा सकती है खुद की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और साथ ही साथ एक्सपोर्ट के लिए, इसको लेकर डिस्कशन हमने किया था उस माइक्रो मिसाइल वाले वीडियो में। आपको मैंने बताया था कि EEL नाम की एक कंपनी है भारतीय, जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। उसने कुछ माइक्रो मिसाइल्स बनाई है। केवल 2 किलो इसका वजन है इस मिसाइल का और 2 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होगी काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए। दरअसल इन्होंने एक CDS बनाया है काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिससे आप स्वार्म ड्रोन्स तक को शूट डाउन कर पाएंगे। इसमें रडार सिस्टम भी होगा ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए, इसमें जैमिंग पॉड भी होंगे जो कि ड्रोन्स को जैम कर देंगे यानी सॉफ्ट किल कर देंगे, उसके बाद हार्ड किल करने के लिए ये मिसाइल बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। किसी छोटे मोटे ड्रोन को मारने के लिए 2 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल इनफ हो गई। अभी चूंकि ये काफी छोटी है, काफी कम खर्चा लगता है इसको मैन्युफैक्चर करने में, तो ऑब्वियसली इसकी कीमतें भी बहुत कम होंगी। दूसरे किसी भी काउंटर ड्रोन सिस्टम की तुलना में ये हमें बहुत सस्ते पड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनका एक्सपोर्ट भी जबरदस्त हो सकता है अगर हम लोग बराबर प्रमोट करें तो। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की जिज्ञासा काफी बढ़ गई और आप ये बोल रहे थे कि इसी कंपनी के कुछ और प्रोडक्ट के बारे में आप हमें बताइए, ये कंपनी एक्चुअली क्या क्या बना रही है। तो एट द सेम टाइम जब ये 2 किलो वाली मिसाइल बनाई जा रही है माइक्रो मिसाइल इन कंपनी के द्वारा, उसी समय कुछ और उपयोगी चीजें भी बनाई जा रही है। यकीन मानिए वीडियो देखकर आपको मजा आ जाएगा। बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि माइक्रो मिसाइल बनाई जा रही है जिसमें 1 किलो का वॉरहेड होगा और 1 किलो उस मिसाइल के बाकी सारे सब सिस्टम्स का वेट होगा। इस तरह से ये 2 किलो की मिसाइल बनती है, 2 किलोमीटर तक ये किसी भी ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, और ये बहुत उपयोगी साबित होगी यकीन मानिए मेरा। जिन्हें वो हादसा याद है जब जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ था, उस ड्रोन को हम लोग काउंटर नहीं कर पाए थे, उसने आखिरकार अपना निशाना लगाया। अगर उस दिन हमारे पास ये सिस्टम होता तो डेफिनेटली हम उसे शूट डाउन कर देते। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक मिसाइल इसी तरह की ड्रोन लॉन्च भी बनाई जा रही है, यानी ड्रोन से आप जमीन पर हमला कर पाएंगे इसी तरह की एक मिसाइल से। छोटे मोटे आतंकियों के कैंप वगैरह हुए, दुश्मनों के बंकर्स वगैरह हुए, उनके ऊपर आप इन्हें गिरा पाएंगे। तो बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का वेट होगा 2 किलो से लेकर 10 किलो तक का, यानी आपको टारगेट डिसाइड करना है कि टारगेट कितना बड़ा है, उसे उड़ाने में कितनी बड़ी मिसाइल आपको रिक्वायर्ड होगी, उस हिसाब से आप मिसाइल चयन कर लीजिए। 2 किलो से 10 किलो तक की मिसाइल, जिसकी रेंज बताई जाती है 2 से 3 किलोमीटर, इसे आप ड्रोन के माध्यम से हवा से दाग सकते हैं जमीन पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लॉइटनिंग मुनिशन की। आप जानते हैं कि हम लोग इसराइल से उसके सुसाइडर ड्रोन खरीदते हैं जिसका नाम है हेरोप। आप जानते हैं ना, ये एक फिदाइन ड्रोन है, अपने आप को टारगेट से जाकर टकरा के ब्लास्ट कर लेता है। इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में भी किया था और काफी अच्छे रिजल्ट मिले इसके। ये ड्रोन दुनिया भर में बहुचर्चित है। तो इसी तरह के कुछ 3 ड्रोन बनाए जा रहे हैं EEL द्वारा, और यकीन मानिए इनके बारे में सुनकर आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहला जो लाइटनिंग मुनिशन है उसे नाम दिया गया है LM-0। ये अभी अंडर डेवलपमेंट है और ये हाथों से लॉन्च किया जा सकेगा। इसका वेट होगा केवल 1.5 किलो, 1.5 kg वेट होगा इसका। आप हाथ से ही बड़ी आसानी से इसे लॉन्च कर पाएंगे, और इसकी जो रेंज है यकीन मानिए वो 20 किलोमीटर की है। 20 किलोमीटर तक ये बड़ी आसानी से जा सकेगा। मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा होने के बाद ये दुश्मन के किसी रडार सिस्टम की पकड़ में आएगा और दुश्मन इसे इंटरसेप्ट कर पाएगा, नहीं, ये बिल्कुल जाकर लक्ष्य पर टकराएगा, इस बात की गारंटी है। ये जो LM-0 है, इसका पूरा नाम अगर आप देखें तो प्रिसीजन गाइडेड हैंड लॉन्च टैक्टिकल अटैक ड्रोन है। इसके बाद दोस्तों LM-1 एक्चुअली पुराने वाले LM-0 से बड़ा है। इसके अंदर वॉरहेड ले जाया जा सकेगा 4 किलो तक का, जहां उसमें 1.5 किलो का, तो इसमें 4 किलो तक का ले जाया जा सकेगा, और इसकी रेंज होने वाली है 25 किलोमीटर, और 4 किलो के वॉरहेड के साथ इसका जो वेट होगा वो होगा 20 kg। और ये जो 20 kg मैंने आपको इसका वेट बताया, इसमें आप इंक्लूड कर दीजिए कम्युनिकेशन कंट्रोल पेलोड एंड लॉन्चिंग मशीन को, यानी एक मशीन है जिससे आप LM-1 को दागेंगे। उस पूरी मशीन का, उसमें जितने भी सब सिस्टम्स हैं उन सभी का वजन मिला लीजिए, वॉरहेड का वजन मिला लीजिए, उसके बाद ये 20 kg का होगा, यानी बड़ी आसानी से 50 किलो का व्यक्ति भी इसे कंधे पर रख कर कहीं ले जा सकता है और बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है LM-2 का। LM-2 थोड़ा सा बड़ा है। इसकी रेंज बताई जाती है 40 से लेकर 100 किलोमीटर, बहुत हो गई 100 किलोमीटर भाई, जिसकी वॉरहेड कैपेसिटी है 5 किलो से लेकर 10 किलो, यानी आप 5 किलो अगर वॉरहेड डालेंगे तो ये डेफिनेटली 100 किलोमीटर जाएगा, और इसमें अगर आप 10 kg वॉरहेड डालेंगे तो ये 40 किलोमीटर तक का सफर तय करेगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये भी दूसरे ड्रोन्स की तुलना में काफी मिनिएचर होगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए जो लॉन्चर होगा उससे आप इस तरह के 6 LM-2 ड्रोन्स को लॉन्च कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये जिस दिन बन जाएंगे, जो कि बताया जा रहा है कि काफी जल्दी तैयार होने ही वाले हैं, काम काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, तो जिस दिन ये बन जाएंगे इनको डेमोंस्ट्रेट किया जाएगा हमारी सेनाओं के सामने, और अगर हमारी सेनाओं की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर देते हैं तो यकीन मानिए हमें इस तरह के लाइटनिंग नुमिनेशन
इसराइल से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हमें घर पर ही प्राप्त हो जाएंगे और बहुत ही सस्ते दामों पर। यकीनन हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उनका टैलेंट कहीं दबा ना रह जाए। वो क्या बना रही है, क्या बनाना चाहती है, एटलीस्ट सुन तो लेना चाहिए एक बार मेरे हिसाब से। बाकी हमारे DRDO वगैरह सरकारी कंपनीज तो है ही ना, वो तो कर ही लेंगी सब कुछ, लेकिन इन्हें भी थोड़ा सा अवसर जरूर देना चाहिए। जय हिंद।